एवरीवन, मैं हूँ सुनीता। आप देख रहे हैं लर्न ट्रिक। आज हम सीएसएस में देखेंगे ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का यूज है, एक ड्यू का हाइट है, उसमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को हम कैसे मैनेज करें, इसलिए हम ओवरफ्लो का यूज करते हैं। ओवरफ्लो की वैल्यू है विजिबल हिडन स्कोर ऑटोफोर वैल्यू है। लेट्स सी हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो। ओके गाइस, मैं आपको ओवरफ्लो का प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ गाइस, मैंने यहाँ पे एचटीएमएल फाइल ओपन किया है, उसमें मैंने 4 डिव लिया हुआ, 4 डिव है मेरे। उसमें मैंने ये डमी कंटेन ऐड किया है, अगेन उसको क्लास डिफरेंट क्लास नेम दिया हुआ मैंने। सबसे पहले बॉक्स 1 में मैं बता दूँ, प्लस बीच से सेट किया है, हाइट सेट किया है, बैकग्राउंड कलर है, एंड बॉक्स एडिट की जरूरत नहीं, रिमूव बस। ये 3 प्रॉपर्टीज यूज किया है, रिफ्रेश करते हैं, सेट। ओके गाइस, अभी हम देखेंगे, सबसे पहले हम ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी देखेंगे विजिबल। गाइस, विजिबल का ये क्या यूज है मैं आपको बता दूं कि सपोज ये मेरा 100 पिक्सल की मैंने यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 100 पिक्सल, लेकिन अगर मेरा कंटेंट ज्यादा होता है तभी भी वो टेक्स्ट बाहर दिखता ही रहेगा मेरा। मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे ऐड किया, ओके, अगर सपोज मैं यहाँ पे विजिबल ऐड करती हूँ ओवरफ्लो, ओवरफ्लो देख सकते हैं गाइस, ये मेरी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो की विजिबल। अब हम सेकेंड वैल्यू देखेंगे हिडन। गाइस, हिडन में मैं आपको बता देती हूँ कि ये हिडन में अगर मैंने यहाँ, हाँ गाइस, हिडन की प्रॉपर्टी है कि अगर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर दिया, टेक्स्ट बहुत हो गया, मेरा कंटेंट बहुत ज्यादा हाइट से भी ज्यादा है, तो मेरा वो कंटेंट दिखेगा नहीं, एक्चुअली वो हिडन में आएगा। हम यहाँ पे करके देखते हैं, फर्स्ट के कंटेंट रिमूव कर देते हैं, सेकेंड हमारा देखिए गाइस यहाँ तक आ रहा। अगर मैं यहाँ पे 2 नंबर पे ओवरफ्लो हिडन देख सकते हैं गाइस, मेरा वो टेस्ट जो या बाहर तक आ रहा वो हिडन हो चुका है। ये हिडन का यूज करता है, टेक्स्ट हमारा हिडन हो जाता है। गाइस, अब हम 3rd नंबर पे देखेंगे स्क्रॉल। ओके, अगर मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट 2 हो गया, 3rd नंबर पे देखेंगे स्क्रॉल। गाइस, अभी हम स्क्रॉल का आइकन देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। गाइस, स्क्रॉल की वैल्यू हम एक्स एंड वाई में सेट कर सकते हैं। सपोज वाई में चाहिए, देख सकते हैं गाइस, एक्स एंड वाई वैल्यू में हम सेट कर सकते हैं। अगर मैंने वाई से एक्स सेट किया तो एक्स में डिस्प्ले होगा। या हम देख लिए स्क्रॉल, अब हम लास्ट देखेंगे ऑटो। ऑटो का प्रॉपर्टी बताना चाहती हूँ कि सपोज मेरा कंटेंट, अभी मैंने ओवरफ्लो यहाँ पे ऐड किया, फर्स्ट पहले हम ओवरफ्लो ऐड करते हैं, ओवरफ्लो ऑटो बन गया, ठीक है। अभी मैं अगर सपोज मेरा कंटेंट यहाँ पे बढ़ता है 4 में, तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरफ्लो ऑटो होता है, मतलब जब कंटेंट हमारा ज्यादा हो जाएगा तभी आप स्क्रॉल का आइकन देख सकेंगे, नहीं तो नहीं। आई होप गाइस कि आपको सीएसएस की प्रॉपर्टी ओवरफ्लो समझ में आ गया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक करके जाना।